नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। इस वीडियो में हम 10th CBSE एग्जामिनेशन के सोशल साइंस में पूछे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं, फुल एनालिटिक सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। अगर आप न्यू विजिटर हैं या फिर हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं राहुल कुमार इसी तरह से आप लोग के लिए बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस, स्टडी मटेरियल्स और बहुत सारे सॉल्यूशंस लाता रहूं। चलिए तो शुरू करते हैं सोशल साइंस 10th CBSE में पूछे गए क्वेश्चन का फुल एनालिटिक सॉल्यूशन। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास CBSE 10th एग्जामिनेशन के सोशल साइंस में पूछे गए क्वेश्चन पेपर है जो आज पूछा गया है सोशल साइंस। और हो सकता है कि इसका नंबरिंग आपके सेट से डिफरेंट हो सकता है तो नंबरिंग आप मिला लेंगे। मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का डायरेक्टली आंसर किया है और बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया है तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, चैलेंज इज नॉट जस्ट एनी प्रॉब्लम बट एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस। इसको आप डिफाइन कीजिए कि कैसे जब एक चैलेंज आता है तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप प्रोग्रेस कर सकें। तो इसका बहुत सारे, इसके बहुत टाइप्स आंसर्स किए जा सकते हैं बट अगर इससे कंसर्निंग आपका आंसर है तो बिल्कुल सही है और बहुत सारे टाइप से इसका आंसर किया जा सकता है। आफ्टर ए चैलेंज वी वर्क विथ आवर फुल कैपेसिटी, डैट मीन्स कि अगर आपने इस टाइप से कंसर्न किया होगा, आपने आंसर में ये इंक्लूड किया होगा कि जब एक चैलेंज आता है तो हम अपने फुल कैपेसिटी से वर्क करते हैं। डैट मीन्स कि मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन अभी है सो डैट आप एग्जामिनेशन के लिए अपने फुल कैपेसिटी से वर्क कर रहे हैं, बट क्या आज से 6 मंथ पहले या आज से 9 मंथ पहले आप वो कैपेसिटी से वर्क कर रहे थे? तो बिल्कुल नहीं। यानी कि जब एक चैलेंज आता है तो हम जो अपनी फुल कैपेसिटी है वो फुल अप्लाई करते हैं सो डैट चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी माना जा सकता है प्रोग्रेस के लिए, एक समस्या, एक प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें, क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो इसमें दो प्रकार का होगा, अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक डेट मीन्स लैंड, वाटर, एयर, जो अजैविक हैं, जीव वाले नहीं है, और एक बायोटिक प्लांट, एनिमल्स वगैरह वगैरह। तो अगर आपने एग्जाम्पल नहीं दिया है, आपने अबायोटिक और बायोटिक भी लिखा है, देन यू विल गेट द मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why did the Roman Catholic Church impose control over publishers and booksellers? तो मैं इसमें आंसर ये इंक्लूड होगा कि जो पावरफुल राइटर्स थे वो धर्म के लिए, जो पावरफुल राइटर्स थे वो रिलीजन को लेके बहुत सारे अपने हाइपोथेसिस और बहुत सारे थेसिस उन्होंने इंक्लूड किया बहुत सारे आर्टिकल्स में और बहुत सारे बुक्स में। तो लोग पूछने लगे चर्च के लोगों से, चर्च से, प्रेस से पूछने लगे कि असल में रियल रूल रेगुलेशंस क्या हैं, उनके रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं, व्हाट आर द, तो वो आस्क करने लगे क्वेश्चन कि व्हाट आर द रियल रूल रेगुलेशंस एंड रिलीजियस बिलीफ्स, सो डैट लास्ट में क्या किया कैथोलिक चर्च वालों ने कि सीधे इनके रोक लगा दिया इनके प्रकाशनों और बुक सेलर्स पे। नेक्स्ट इसी में एक अथवा में क्वेश्चन था और में, व्हाई डू नॉवेल्स यूज वर्नाकुलर। वर्नाकुलर एक लैंग्वेज है और वर्नाकुलर लैंग्वेज क्यों यूज किया जाता है? तो इसका एकदम सटीक आंसर है, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है, जो स्पोकन किया जाता है, बहुत सारे कॉमन पीपल इसको क्या करते हैं, स्पीक करते हैं, बहुत सारे कॉमन पीपल इसको स्पीक करते हैं वर्नाकुलर को, सो डैट नॉवेल अगर उसमें लिखा जाएगा और कॉमन पीपल ही नॉवेल भी पढ़ते हैं, सो डैट अगर वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा जाएगा नॉवेल को तो बहुत सारे कॉमन लोग उसको पढ़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 यहाँ है, वेयर बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन बर्लिन 1885 में क्यों बर्लिन में बहुत सारे ताकतवर देश की बैठक हुई थी? तो मैं बता देना चाहता हूँ, जर्मन चांसलर ओटो स्मार्क जो थे वो फॉर्मलाइज करना चाहते थे और एक टेरिटरी फॉरेन रूल बनवाना चाहते थे अफ्रीका के लिए, क्योंकि उस टाइम अफ्रीका बहुत सारा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था। सो डैट जर्मन चांसलर विस्मार्क, ओटो वॉन विस्मार्क जो थे वो एक रूल बनाना चाहते थे फॉर्मलाइज्ड क्लेम्स के लिए, फॉरेन रूल, फॉरेन टेरिटरी रूल एक बनाना चाहते थे अफ्रीका के लिए। सो डैट इसीलिए बहुत सारे पावरफुल देशों के बीच वहाँ पे एक बैठक रखी गई थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाई वेयर मर्चेंट्स फ्रॉम टाउन्स इन यूरोप बिगन टू मूव
कंट्री साइड इन 17th एंड 18th सेंचुरीज, यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो यूरोपीय सौदागर हैं गांव की ओर क्यों जाने लगे। देखिए गांव में जो सबसे पहली चीज़ है कि इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा वहां अपॉर्चुनिटी थी। फिर बहुत जल्द ही आप मतलब गांव के लोगों को, किसानों को वो बहुत जल्दी डील कर पाते थे, और वो इलिटरेट थे तो उनको बहुत जल्दी वो अपनी बातें मना लेते थे। सो डैट इसीलिए गांव की ओर वो रुख करने लगे 17th to 18th century में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 1887 का, ये वाई डिड चार्ल्स बूथ लिवरपूल शिप ओनर कंडक्ट द फर्स्ट सोशल सर्विस ऑफ लॉ स्किल्ड वर्कर्स इन ईस्ट इंड ऑफ लंडन 1887। 1887 ईस्वी में इसने जो सर्वे किया वो एकदम लो स्किल्ड वर्कर्स पे, क्योंकि लो स्किल्ड वर्कर्स का वो जानना चाहते थे कि इनका इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशन क्या है, किस तरह से ये लोग वर्क कर पाते हैं, इनकी लिटरेसी क्या है, रहन सहन क्या है, ताकि वो इसको समझ सके और इस हिसाब से अपना जो सोशल वर्क है या फिर उनका जो फायदा है वो चला सके। सो डेट इसीलिए चार्ल्स बूथ ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन विच कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिकल सेक्टर सच एक्टिविटी कम। इसको नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमिक बोल सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमी, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। सो डेट अगर कुछ रहे इसका अगर कोई डिफरेंट आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे, बट इसमें नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमी मैंने डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन टू एग्जाम्पल्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। देखिए इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मैंने दो तीन यहाँ पे इंक्लूड की है। आपने अगर डिफरेंट लिखा है तो भी आपका सही है, अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर का है, अगर आपने डिफरेंट लिखा है और वो इनफॉर्मल सेक्टर का है तो वो सही है। जैसे यहाँ पे आप मनी लैंडिंग बोल सकते हैं, ट्रेडिंग बोल सकते हैं, ब्लैक मार्केटिंग बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप डेवलपमेंट का इनकम के अलावे और क्या लक्ष्य हो सकता है, क्या गोल हो सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे मैंने तीन चार इंक्लूड की है, यहाँ पे दो ही पूछना है। आप अपने फैमिली को वेल बींग में रखना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपका एक श्रेय इनकम ही हो कि मेरा गोल है कि मैं इनकम बहुत ज़्यादा करूँ। नहीं, इनकम एक सिंगल गोल नहीं है। वेल बींग ऑफ फैमिली, आप फैमिली को अच्छे से रखना चाहते हैं, रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम चाहते हैं अपने लाइफ में कि आपको कोई रेस्पेक्ट करे, फ्रीडम दे। नेक्स्ट है इक्वल ट्रीटमेंट एंड सिक्योरिटी, और जब आप बहुत ऐसे स्थानों पर जाएं तो आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इक्वल सिक्योरिटी मिले सभी लोगों के साथ, आपका क्लोजनेस रहे आपके फ्रेंड्स से, रिलेटिव से। सो डैट इस टाइप के बहुत सारे आप डाल सकते हैं कि डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट इनकम के अलावे और किस लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इसके अलावे भी आपने कुछ इंक्लूड किया होगा जो बिल्कुल डेवलपमेंट के अलावे लक्ष्य रखता हो, गोल रखता हो, सो डैट आपका आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणामों को निर्धारित करने वाले तीन कारकों को लिखें, मतलब एक्सप्लेन थ्री फैक्टर्स डैट आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। तो इसमें तीन मैंने डाल दिया है, द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड गवर्नमेंट, पीपल्स परसेप्शन, द रोल ऑफ कम्युनिटी एंड कल्चर। तो इन तीनों के अलावा भी दो तीन और आंसर बन सकते हैं, बट ये तीनों में से आपने कुछ डाला हो तो बिल्कुल सही जाएगा आपका। पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट का उसमें इंक्लूड होना चाहिए, पीपल्स परसेप्शन होना चाहिए, द रोल ऑफ कम्युनिटी एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, डिस्क्राइब एनी थ्री प्रोविजंस ऑफ एमेंडमेंट मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992। तो इसमें भी मैंने तीन डाल दिया है। इसमें लोकल गवर्निंग पार्टीज़ को, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट के बॉडीज थे उसको कुछ पावर दिया गया, उसके बाद फिर इलेक्शन में कुछ सीट रिजर्व किए गए, कुछ सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए। तो ये दो तीन चार बन पाते हैं जो 1992 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट बना उसमें ये तीन चार पॉइंट्स हैं। इलेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपने डाला है, महिला के लिए जो सीट आरक्षित किया गया उसके लिए अगर आपने डाला है, फिर लोकल गवर्निंग बॉडीज़ को जो पावर दिया गया उसके लिए अगर आपने डाला है, सो डैट ये बिल्कुल है। अच्छा, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि धर्मनिरपेक्षता, यानी कि हमारा जो सेकुलरिज्म है
वो किसी पार्टी वगैरह की विचारधारा नहीं है, हमारे देश की विचारधारा है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपके सेंस पे ये क्वेश्चन है। हमारा जो देश है, हमारा जो हमारा जो कंट्री है, उसमें बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। और उसके बाद है कि जब हमारा इंडिया जब आज़ाद हो रहा था, जब फ्रीडम हमें मिली थी, तो सभी धर्म जाति के लोगों ने इसके फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाई थी। बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे उसमें अलग अलग संप्रदाय के लोग थे। सो डैट हमारा ये जो देश है वो उसका फ्रीडम का नींव ही हमारा जो है सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है। सो डैट इसका आंसर अगर आपने इस तरह से किया है, सो डैट ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ इज इशू ऑफ, देखिए सस्टेनेबिलिटी क्या है। सस्टेनेबिलिटी ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है, धारितीयता का मुद्दा, धारणीयता का मुद्दा ये जो हमारा बन रहा है, सस्टेनेबिलिटी ये हमारा है कि आप जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, नेचुरल रिसोर्सेज को, तो इसका सस्टेनेबल होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं कि जो बड़े लोग हैं वो इसका ज़्यादा लेंगे, छोटे लोग हैं वो कम लेंगे, बिल्कुल नहीं। ये सस्टेनेबल होना चाहिए, और इससे होता क्या है, लास्टिंग बढ़ जाता है किसी भी नेचुरल रिसोर्स का, या किसी भी ऐसी चीज़ का जो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो बिल्कुल इक्वलिटी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और इसमें कुछ उदाहरण भी डालने के लिए कह रहा था, सो डैट उस टाइप के अगर आपने एग्जाम्पल्स देखिए, इसका अगर 10 लोग हैं तो 10 का आंसर 10 टाइप से बन सकता है। सो डैट इसके बारे में केवल बात ही की जा सकती है, आंसर एक फिक्स नहीं लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई इज चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, और 3 का इसमें भी कह रहा है। तो सबसे पहला क्या है कि क्यों चीप ऑफ अफोर्डेबल क्रेडिट चाहिए, तो चीप और अफोर्डेबल रहेगा तभी तो लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे। दूसरा, अगर चीप एंड अफोर्डेबल रहेगा तभी तो लोग इसके रिटर्निंग अमाउंट एंड इंटरेस्ट को पे कर पाएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अगर सस्ते रहेंगे लोन्स, तो जो लोग लोन्स के बारे में सोचते भी नहीं है वो भी इसके बारे में सोच पाएंगे, डैट मीन्स ये मोर इफेक्टिव होगा। सो डैट 3 इसके अलावा भी अगर कुछ बन पाता है जो इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, सो डैट वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्विस कंडीशंस फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है जो गवर्नमेंट के अंडर चलती है, और इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जबकि ये अंडर गवर्नमेंट नहीं होता है, किसी प्राइवेट कंपनी या कोई भी इसको कर सकता है कंडक्ट जो बड़े सेक्टर में है। तो इस टाइप के अगर एग्जाम्पल्स आपने देखे और इसमें डिफ्रेंशिएट किया है इसको, देन सही होगा। गवर्नमेंट इसमें तो जरूर डालना है कि गवर्नमेंट जो है इसको कंडक्ट करती है और इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंज्यूमर्स को एक्सप्लोटेशन से अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट डालेंगे हम अखबार में, डालेंगे न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पर, तो जागो ग्राहक जागो होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्हें मार्केट को लेके और इकोनॉमी के को लेके उनको प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए गवर्नमेंट को, और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर गवर्नमेंटल अथॉरिटी के शॉप्स और मॉल्स वगैरह वगैरह या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने चाहिए, ताकि मतलब लेगी तो गवर्नमेंट भी उनसे लेगी इनकम, बट वो जो होगा वो रियल इनकम होगा, और इसमें किसी ज़्यादा वहाँ पे ठगी नहीं होगी कंज्यूमर्स से। सो डैट ये 3 चीज़ें मैंने डाली है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखिए, ये ओन है, इसका बहुत तरह से आंसर बन सकता है। आइए इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। डेंस एंड इफिशियंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्टिंग क्यों जरूरी है राष्ट्रीय विकास के लिए। देखिए अभी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्री है, लोकल मार्केटिंग होलसेल, मतलब कुछ भी इंडस्ट्रीज, लोकल मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ ट्रांसपोर्टिंग का बहुत ज़्यादा योगदान आता है। तो इस पॉइंट पे अगर आपने अपना आंसर डिफ्रेंशिएट किया, डिस्क्राइब किया है, सो डेट आप बिल्कुल मार्क्स पाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ हैव द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया मेड वर्स पोजिशन ऑफ एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। देखिए इंडिया में जो है जो इंडस्ट्रीज़ के कूड़े कचड़े के निपटारे के लिए कुछ नहीं है, बस नदियों में वो बहा देते हैं, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में बहा देते हैं इंडस्ट्रीज़ के कूड़े कचड़े। सो डैट ये जितना ज़्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी और कूड़े कचड़े वो बढ़ाएंगे, वो फ्रेश वाटर को प्रभावित करेंगे। सो डैट अगर इससे कंसर्निंग आपने आंसर दिया है, यू विल गेट द मार्क्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये सारे क्वेश्चंस देखिए क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आंसर्स बन सकते हैं इसके। प्रिंट रिवॉल्यूशन ने किस तरह से पीपल को प्रभावित किया था, तो प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन होने के बाद बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में लोग सोचते थे, बात नहीं कर पाते थे, डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे, वो सारी चीज़ें कर पाए लोग, उनको बहुत सारे नॉलेजेस मिले जिनके बारे में वो नहीं जानते थे। तो प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन के बहुत सारे बन सकते हैं पॉइंट्स, सो डेट अगर आपने उस टाइप के पॉइंट्स बना के डाले होंगे तो बिल्कुल सही जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि रिंडरपेस्ट जो है, जो एक प्रकार का बीमारी था, एक प्रकार का रोग था, और ये आने के बाद अफ्रीका में 1890 में जब ये आया था अफ्रीका में, तो लोगों के इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग उसमें शायद डाई भी किए थे, बहुत सारे लोग बीमार पड़े थे, लोगों का वहाँ पे खाना पीना सब कुछ बंद हो गया था, और इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो इससे कंसर्निंग आपने आंसर इंक्लूड किया है, देन यू विल गेट द मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि डिस्क्राइब एनी थ्री मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन कॉटन वीवर्स इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में है क्या कि इंग्लैंड में भी एक कॉटन इंडस्ट्री स्थापित हो गई थी, सो डेट वो अपना पूरा प्रेशर वर्ल्ड पे बना रहा था। हमारा जो इंडियन वीवर्स का है, उनका एक्सपोर्ट यानी बाहर भेजने वाला जो कारोबार है वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया था। इसके अतिरिक्त तो लोकल मार्केटिंग भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉटन इंडस्ट्री की वजह से इनका चौपट हो गया था। तो 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, मेजर प्रॉब्लम था इंडियन कॉटन वीवर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी थ्री स्टेप्स टेकन टू क्लीन अप लंदन इन लंदन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो हाउसिंग प्रॉब्लम को, हाउस से जो कचरा वगैरह निकलता था उसको किया गया, फिर गार्डन सिटी या ग्रीन सिटी बनाया गया, फिर न्यू ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम लाया गया कि कूड़े कचरे का निपटारा करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे 5-6 पॉइंट्स हैं, अगर उसमें से कोई भी इंक्लूड किया होगा आपने, अगर ये वाला आंसर सही किया तो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है, डेमोक्रेसी स्टैंड करती है किस तरह से फ्रीडम के लिए ऑफ द इंडिविजुअल एंड डिग्निटी, सो डैट ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी, ये दोनों क्वेश्चंस आपके अपने ओन सेंस पर हैं, क्योंकि भैया आज के डेट में लोकतंत्र यानी कि ये जो हमारा डेमोक्रेसी है उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। राजतंत्र में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूल्स हैं, राजा के लिए अलग रूल्स, मंत्री के लिए अलग रूल्स, बट यहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर भी कोई इस टाइप की चीज़ें करते हैं जो एक सिंपल आदमी करने के बाद उसको जो सज़ा मिलेगी वो पीएम को सज़ा वहाँ पे मिलेगी, बट राजतंत्र में ऐसा नहीं है। राजतंत्र में राजा तलवार उठा के किसी का भी सर अलग कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है, इतनी छूट नहीं है, सो डेट इस टाइप की, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल दो, इस टाइप के अगर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने दिया होगा और बताया होगा डेमोक्रेसी को बेस्ट, सो डेट जाएगा आपका यहाँ पे सही बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिर ये सारे क्वेश्चंस देखिए ओन हैं, हाउ हैज़ फॉरेन ट्रेड बिन इंटीग्रेटिंग मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज चल रहे हैं, वो जैसे आज हम बात कर ले फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट पे बहुत सारा एक ही कंपनी है जो अलग अलग डिफरेंट देशों में अपना कारोबार चला रहा है, सबका एकीकरण हो चुका है, सब एक हो चुका है, और वो एक जगह से बैठ के ही सब कुछ चला रहे हैं, सो डैट हम बोल सकते हैं कि जो विदेशी व्यापार, जो फॉरन ट्रेड है, वो बिल्कुल एक तरह से एक हो गया है, और यहाँ पे वो आके वो कारोबार आराम से कर रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के यानी कि 5 मेजर फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है चुनाव लड़ना, चुनाव लड़के अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो गवर्नमेंट वर्क करना, फिर अगर वो सत्ता के बाहर हैं तो फिर वो बनेंगे जिनको बोला जाता है विपक्ष, विपक्ष बन के फिर जो हमारी सत्ता में सरकार है उसका काम वो ठीक से कर पा रही है या नहीं कर पा रही, इस टाइप से, फिर उनके भी अगर MLAs वगैरह कहीं से जीतते हैं तो वहाँ का वर्क करना, इसी टाइप से लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बहुत सारे वर्क्स हैं, सो डेट आपने कुछ इंक्लूड किया है, यू विल गेट द मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे, डिस्क्राइब द, ये सारे क्वेश्चंस ओन करने के हैं, ये तो आपके बुक का है, सो डेट आप बुक में जाके इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये जो ओन क्वेश्चन है वो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि किस तरह से जिसको मैंने ओन ओन किया है उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। Why is economic strength of a country measured by the development of manufacturing countries? देखिए manufacturing countries क्या है कि वो manufacture करती है और export imports होता है सामान का, तो इससे एक established
एक एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमी बनता है किसी भी देश का, अगर वहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर कंट्रीज है तो ये कंफर्म है कि विदेशी फॉरेन कंट्रीज आएंगे और वहाँ से वो मटेरियल्स लेंगे, तो एक इकोनॉमी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा किसी भी देश का। सो डैट यहाँ पे इस टाइप के आंसर्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, कर सकते थे नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर किया है तो आप गेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो है कि मध्यवर्गीय लोगों ने किस तरह से, जो हमारा मिडिल क्लास है पीपल, वो किस तरह से असहयोग आंदोलन में, तो वो उन्होंने बहिष्कार किया था बहुत सारी चीज़ों का, और कपड़े का बहिष्कार किया था, बहुत सारी चीज़ों का, वो जो मिडिल क्लास लोग थे, और इंडिया में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग ही हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी को और उनके रूल्स रेगुलेशंस को। नेक्स्ट है महिलाओं को क्यों, क्योंकि वीमेन को नहीं दिया गया था उसमें बहुत ज़्यादा पोजिशन अथॉरिटी, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग थे वो मानते थे कि वो जो महिलाएं हैं वो इसको ठीक तरीके से नहीं कर पाएगी, बहुत ठीक तरीके से नहीं संभाल पाएगी, उनकी क्षमता पर उनको थोड़ा शक था। बट बहुत सारे और थे उस टाइम पार्टीज जिन्होंने वीमेन को डाला और वीमेन काफ़ी आगे गई उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी है, 1980 और 1990 में भारत सरकार ने कृषि सुधार के लिए, तो बहुत सारे कृषि ट्रीटीज आए हैं, बहुत सारे फार्मिंग ट्रीटीज आए हैं, तो उन सारे ट्रीटीज के बारे में अगर आपने इस क्वेश्चन में इंक्लूड किया है देन यू विल गेट, उम्मीद करता हूँ। और ये जो 26 नंबर का क्वेश्चन था वो ग्राफ का था, वो क्वेश्चन जो है जो मैप का था, सो डैट मैंने उसको बताया नहीं क्योंकि मैप पे आपको वो इंक्लूड करना था। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आंसर आपके लिए एक संतुष्टिजनक हो, आपको संतोष दे, और नेक्स्ट वीडियोज़ जो मेरे आने वाले हैं वो मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।